तो अभी ट्राई कर रहा हूँ। अरे बोल ऑल वेलकम बैक टू अर चैनल दिस फ्रॉम हुंडा। और शर्वणी अभी जस्ट रेडी हो रहे और टाइम है अभी 5:40। हम कल रात को यहाँ पे पहुँच गए थे एंड ये डिस्किट के 6 किलोमीटर के बाद में है। सो वेलकम बैक टू अर चैनल द रोड वॉन्डरर्स। एंड आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम कपल राइडर्स है, हम जगह जगह हम घूमते और आपको हम वीडियो शेयर करते। एंड दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस जहाँ पे हम कल स्टे किए थे, आपको देखा होगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट, दिस इज़ द 8th or 7th वीडियो ऑफ द लद्दाख सिटीज दैट वी आर हैविंग ऑन द ऑन मोटर बाइक्स। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो ऑन दिस लिंक एंड सी द अदर वीडियोज। तो आज हम हुंडर से पैंगोंग जाने वाला है, पैंगोंग लेक, द वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक। एंड बहुत कुछ मन में है, कल हम खारजुमला किए, जोजीला भी किए थे 3-4 दिन पहले, तो काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा चीज़ हम लोग जो ड्रीम किए थे वो हम अकम्प्लिश किए। नाउ आप देख सकते हो कितना मस्त वाला एकदम व्यू है, एकदम कैंप के पीछे ही। इवन यू कैन सी द आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ स्नो कैप माउंटेन ऑल्सो, दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे बहुत ठंड है, आई मीन कल हम ले में थे, परसों पहले भी हम सोनमार्ग में थोड़ा सा हमको ठंडी मिला था, ले में ज़्यादा ठंडी नहीं मिला, बट यहाँ पे काफ़ी ठंड है। आई मीन टेंट में हमको कंबल चाहिए था, ज़रूरत था, एंड यू कैन सी आई एम टोटली पैक्ड अप इवन ऑन द हेड। सो यहाँ पे काफ़ी ठंड है, ऑल दो ये ले से नीचे है ऑल्टीट्यूड वाइज, मतलब दिस एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 9,500 फिट एंड ले है अराउंड 11,000 फिट। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, भैया चाय भी ला रहे हैं हमारे लिए, हमने बोल के आए थे बिकॉज मॉर्निंग आज हम 7 to 7:30 के आसपास हम निकालने का कोशिश करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, 240 किलोमीटर्स के आसपास, प्लस वाटर क्रॉसिंग्स काफ़ी है। सो जितना लेट हम करेंगे उतना वाटर क्रॉसिंग्स बढ़ते रहेगा, तो इसीलिए हम जितना जल्दी शुरू करेंगे इट इज़ बेटर दैट वी कैन क्रॉस दोज पैचेस। एंड देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग ऑल्सो, थैंक यू भैया फॉर द चाय, ये सब यहाँ पर रख सकते हो। तो अभी हम चाय का मज़ा लेंगे यहाँ पर एंड दे के आता हूँ शर्वानी को, एक मिनट। सुबह सुबह हम चाय का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे, 5:40 पे चाय सर्व हो गए। क्या नाम था? डबल हम्प कैंप। तो कैंप का फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है, हाँ बहुत ठंडी है, मैं वही बता रहा था। यहाँ पे अगर कोई आप लोग आ रहे हो हुंडर में तो मेक श्योर दैट यू हैव ए BSNL पोस्टपेड कनेक्शन, नो अदर कनेक्शन वर्क्स ओवर हियर, नो अदर कनेक्शन, ना इधर इंटरनेट तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं आपको रोड्स पे। So we are starting our journey today. The time is 7:45. हम 15 मिनट लेट हुए, 7:30 तक स्टार्ट करना था, कोई इशू नहीं है, 15 मिनट्स इज ओके। सो मोस्टली ऑन टाइम। तो पहला प्लान ये है कि हम पहले जाएंगे डिस्किट मॉन्स्ट्री, जो कल शाम को हमको दिखाई दिया था, और साथ में आपको हम आज दिखाएंगे सैंड ड्यून्स भी, जो नुब्रा का बहुत फेमस है। मैं ठीक है चलो। सो उसके बाद हम चलेंगे पैंगोंग के रास्ते, लगेज वगैरह सब कुछ हम लोड कर लिए थे। वो आगे देखिए नज़ारे, माउंटेन है ऊपर, स्नो पिक्स भी है, ये मस्ती चल रहा है आदित्य शर्मानी का बीच में। वो है पूरा सैंड्यून वाला जगह। देखिए सैंड ड्यून्स, क्या ऑसम लग रहा है।
देखते रहिए। आगे भी आप देख सकते हो सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स है। सावधान है मिनी एखाने। यहाँ पे भैया आ रहे हैं और यहाँ पे हम पेट्रोल भर के फिर निकलेंगे। तो ये है बिस्किट मॉनेस्ट्री जाने का रास्ता। हम थोड़ा सा ऊपर आके मैंने फिर से कैमरा ऑन किया। आप रास्ता देख सकते हो, बहुत कर्ली है और बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत स्टीप भी है, एकदम स्टीप। आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं कैमरा पे, बट ये एक्चुअली में इतना मतलब 40-45 डिग्री इंक्लाइन एंगल है प्रॉपर। आप नीचे से आप देख सकते हो। तो अभी उतरने का टाइम, थोड़ा केयरफुली हमको उतरना है एंड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट गियर पे एकदम स्लो विदाउट एनी क्लच प्रेसिंग। सो दिस राइडर्स आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर एंड सी मतलब राइडिंग इज हैज बिकम अ डिजीज नाउ आई शुड से। People from all around the country are roaming. Yes, of course, one thing is very necessary कि आप ride करिए, but safety and gears पहन के। Without gears riding is absolutely nonsense. तो अगर नहीं कर सकते तो मत करिए, but safety अगर करना ही है तो safety लेके करिए। इतना अच्छा अच्छा जगह हम देखने को आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा safely घूमेंगे, घर पे भी सब निश्चिंत रहेगा। हाँ तो एक तो स्पीडे चलो ही जाएगा शॉर्ट फटे दिए। बाल का हालत देखा, ऐसे ही हो जाता है हेलमेट के नीचे अगर कपड़ा मतलब बलकलावा या जो भी है वटेवर। राइडिंग करते करते बाल कभी कभी मेरा ऐसे ही हो जाता है, उसको फिर घर पे जाके थोड़ा सेट करना पड़ता है। तो अपडेट गाइस एंड गर्ल्स, वी आर इन अ मिडवे स्टॉपेज और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट खाने के लिए रुके। तो मस्त वाला एक कैंप है, मस्त वाला जगह है। हमने ऑर्डर किया है प्लेन पराठा और अंडा भुर्जी और चाय एंड इट्स अ गुड प्लेस। आई मीन देयर यू कैन सी द माउंटेंस एंड बेनिथ इट देयर इज अ शॉर्ट शूटिंग रेंज ऑल्सो एंड लॉट ऑफ कैंप्स। तो रिजॉर्ट टाइप का ही है, हमने यहाँ पे तो रहे नहीं बट हमने आज ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकलेंगे। विद इन अनदर हाफ एन आवर 40 मिनट्स वी लीव फ्रॉम हियर। यहाँ पे जाने का तो रास्ता तो है नहीं, कूदना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से है। मैं अटक गया हूँ।
नहीं, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ना पत्थर है, स्ट्रेट है, ये वाला ना देखते हो, अच्छा ना उन्होंने देखो, পারবে কিছু হলে পারগুলো মাটির নামিয়ে দেবে, ভিজলে ভিজবে, দেখা যাবে যা। ও ও ও ও ও ও ও সো আদিত্য মাপে গিড় গে, বাট কোই ইস্যু নেই, নেই নেই কোই ডরনে কা জরুরত নেই, অনলি থিং ইজ দ্যাট বাইক শুড স্টার্ট। হন দ ওই দিক দিয়ে ক্লাস অফ লাক বাঁ দিক দিয়ে, হ্যাঁ চলো চলো চলো, কিচ্ছু হবে না, চলো ক্লাস বন্ধ করবে না, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড মিনি, ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ মেরা ভিউ খারাপ কর দিয়া, ট্রাই করবে স্টার্ট করতে কা, দ্যাট ইজ ইঞ্জিন স্টার্ট, কেসে দোনো বাইক কম নোক বাঁধে, এন্ড নাও ইট ইজ গোয়িং লাইক দ্যাট, সো স্পিড উইল বি লেস, নেভারথলেস উই শুড রিচ দ্য মেকানিক স্পট। Just wait. Let them cross. Tu utar na, tab to halka hoga yaar. Tu utar, utar, utar. Arey utar, tab halka hoga yaar. ছোটো এটা, চলো হয়ে যাবে আরামসে, হ্যাঁ ভেরি গুড। বাস আপডেট ফ্রম শায়ক, শায়ক ভিলেজ, আদিত্য কাজ গাড়ি জো খারাপ থা, অ্যাকচুয়ালি মে ইঞ্জিন অয়েল মে পানি চলা গিয়া থা, তো আবি ইয়ে কোশিশ কর রহে কি ডিজেল সে হাম উসকো থোড়া সাফ করেঙ্গে, হ্যাঁ পুলিশ দ্বারা বহুত মদদ কর রহে বলো, হ্যাঁ পুলিশ পুলিশ ইয়াহ পে পুলিশ ভাই লোক মতলব বহুত বহুত জ্যাদা মেহনত কর রহে সেই মে, সব সব সবনে ইয়াহ পে বহুত জ্যাদা হেল্প কিয়া, আবি উপর গয়ে থে হাম ডিজেল ভি লেকে আয়ে থে, ভাইয়া নে বহুত হেল্প কিয়া, কাহাঁ পে গয়ে ভাইয়া, ওয়াহ পে ইয়াহ পে হাম জাতে, তো আবি ডিজেল সে ইসকো সাফাই করনে কা কোশিশ হ্যায়, আর ইঞ্জিন অয়েল লেকে কোই বন্দা কো ইনহোনে কন্টাক্ট কিয়া থে, মাইট বি হাফ এন আওয়ার কে বাদ ও ইঞ্জিন অয়েল লেকে আয়েঙ্গে, ফির উসকো ডালেঙ্গে, ফির উসকো দেখেঙ্গে কি ও স্টার্ট হোড়ে পা রহা হ্যায় নেই, হোপফুলি স্টার্ট হো জায়ে, বিকজ 7-8 কিলোমিটার হম এসে খিঁচ কে, মানে হম তো নেই নিমা নে খিঁচ কে লেকে আয়ে থে, আর আবি সিচুয়েশন ইয়ে হ্যায়, ফুল তোল লেওয়া তা, তো এ ডিজেল সে সাফাই হো রহা হ্যায়, ফুক দাও ডিজেল মত আতা, ফুক দাও ফুক তো ফুক ফুক দাও ফুক, আবি ফুক মার রহা হ্যায়, আবি ফুক মারেগা, হ্যাঁ ফুক মার কে সারা নিকাল দেগা উধার, হ্যাঁ আবি ফুক মার রহা, ফুক মার রহা হ্যায়, ফুক মারে বল तो क्या होगा इसके बाद, इसके बाद के एपिसोड के लिए आप लोग जारी रहिए इस चैनल पे, आज के दिन का वीडियो मिस मत करना, बहुत हैपनिंग है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
फाइनली ये बाइक चालू हुआ. एयर फिल्टर में प्रॉब्लम था, उसको निकाले, ड्रेन किया नॉर्मल, वो क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल, नया इंजन ऑयल डाले एयर फिल्टर को निकाल के, फाइनली ये चालू हुआ. और अब टाइम कितना हुआ है, वाह टाइम हुआ है 5:30 बजे. सो 5:30 हो गए एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर पैंगोंग विच इज 57 to 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज गोइंग टू टेक 2.5 hours. सो विल रीच देयर बाई कितना, बाई 8 o'clock. राइट, ऑल सेट. टाइम हो गया 7:30, 7:30 बज चुका है और अंधेरा भी आ रहा है धीरे धीरे, अंधेरा भी होने वाला है धीरे धीरे. बट अभी तक पैंगोंग का कोई नामो निशाना है, नामो निशाना है, वो है पैंगोंग लेक. अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से, मैंने सुना है कि बहुत बहुत ही ब्लू होता है, बट अभी रात के लिए दिख नहीं रहा है उतना ब्लूइश. सो देयर इट इज द वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक फॉर यू फ्रॉम द फर्स्ट व्यू एंड फॉर यू फ्रॉम द रोड वॉन्डरर्स, द पैंगोंग लेक, द वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक. आज इतना इवेंटफुल डे था, शुरुआत से इतना वाटर क्रॉसिंग, इतना ऑफ रोडिंग था, ऊपर से आदित्य का बाइक ख़राब हो गया, 3.5 घंटा हमारा गया बाइक ख़राब होने के लिए, और उसके बाद भी फिर से डेंजरस रोड्स, फिर से वाटर क्रॉसिंग्स, और उसके आगे ये लंबे रास्ता जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है. यस यस, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है वीडियो के थ्रू, तो आपको व्यू, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो व्यू है, चाहे ये एक दो वाटर क्रॉसिंग, 6-7 वाटर क्रॉसिंग क्रॉस भी करना पड़े, बट इट रियली वर्थ. तो ये देखिए पैंगोंग लेक, यहाँ से एक्चुअली शुरुआत है, आगे तो व्यूज और अच्छा है. Wow and wow, wow and wow, wow wow wow. पहाड़ पीछे, बर्फ वाला पहाड़, और ये रोड के साथ साथ, बाइक्स के साथ साथ जो व्यू आ रहा है लेक का, बहुत ही अमेजिंग है. कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग इज टू सी दिस बिग वाटर बॉडी इन द मिडस्ट ऑफ द माउंटेन्स, एंड दैट्स व्हाट द पैंगोंग लेक इज. So height approximately 14,000 के आसपास, whatever we saw on the signboard, I don't know, you just verify. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो please comment करके मेरे को सही कर दीजिए. वो ऊपर में कुछ कैंप फैम कुछ दिख रहा है, हम उसी तरफ जा रहे हैं ताकि रात के लिए ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाए, और कल सुबह हम बहुत अच्छा एक व्यू आपको दिखा पाए. Wow, fantastic, isn't it?